कहीं अलीशा ही तो मूर्तियां लेकर। नहीं माँ जी, ये सच नहीं हो सकता। अलीशा ऐसा नहीं कर सकती। ससमा, अलीशा और मूर्तियां एक साथ गायब हुई है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। बात चाहे कितनी भी कड़वी लगे, पर सच तो यही है कि अलीशा ने ही मूर्तियां चुराई हैं। ये सोने की मूर्तियों को चॉकलेट की मूर्तियों से बदलने का काम सिर्फ अलीशा ही कर सकती है, और ये काम उसने सिर्फ इसीलिए किया है ताकि हमारी दिवाली खराब कर सके। खानदानी मूर्तियों के बिना दिवाली का पूजन कैसे होगा? हे काला, मैंने समझा था कि पोती घर आई है तो घर खुशियों से भर जाएगा, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से त्योहार मनाएंगे, और हमारी पोती ने ही हमारे नाक में दम कर रखा है। पहले माँ फिर अलीशा, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी बोलिए। मुझे ये मूर्तियां बेचनी थी। दिखाइए। अरे सतीश, अरे अभी तक तेरा काम ही खत्म नहीं हो रहा है? जी अपनी मूर्तियां बेचना चाहती है। बेटा दिवाली की पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, इसलिए लेन देन हमने बंद कर दिया है। एक काम कर, तू कल आ जा। अरे अंकल एक बार देख तो लो, एकदम खरे सोने की है। और अब देखो लक्ष्मी जी खुद चलकर आई है, तो क्या इन्हें नाराज करके वापस करोगे? देख लो एक बार। ठीक है। बाऊजी ये तो, अरे हाँ एकदम करी सोने की। बेटा ये तुझे मिली कहाँ से? सड़क पर चल रही थी और आसमान से टपक गई। अरे तुम्हें क्या करना, कहाँ से मिली? कीमत बोलो। बेटा ऐसा है कि ये खरे सोने की है, और जब तक इसका वजन नहीं करेंगे ना, तब तक इसका असली मोल पता ना चलेगा। बेटा तुम रुको, हम इसका वजन करके असली मोल पता करके आते हैं। चलो बेटा। मूर्तियों के बिना तो अंतरा भवन में क्या बवाल हो रहा होगा ना? ठिकाना। देख लिया तुमने, तुम्हें अब भी लगता है कि अलीशा को कमरे में बंद करना बहुत बड़ी सजा थी? देख रही है वो क्या करके गई है, हमारी खानदानी मूर्तियां चुरा के गई है वो भी आज दिवाली के दिन। 50 साल कुंडल, 50 साल से वो मूर्तियां हमारे परिवार का हिस्सा थी। हर साल दिवाली पे हम उन्हीं की पूजा करते थे, लेकिन इस साल हम नहीं कर पाएंगे गुड्डन, क्योंकि अलीशा उन्हें चुरा के ले गई है। तुम अब भी चाहती हो कि मैं उसके साथ प्यार से नरमी से पेश आऊं, अब भी तुम उसकी तरफदारी करोगी? माँ ने बिल्कुल ठीक कहा है, आखिर है तो वो अंतरा की बेटी ना। खुराफाती दिमाग चैन से कहां बैठेगा? सब कैसी बातें कर रहे हो? आपकी भी बेटी है ना, वो सिर्फ अंतरा की बेटी नहीं है। कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं आप अपनी बेटी के बारे में? और ये भी तो हो सकता है ना, आपकी दी हुई सजा की वजह से चिढ़के उसने एक कदम उठाया हो। मतलब ये भी मेरी गलती है घुटन? ना डांटू, ना सजा दू, ना सख्ती से पेश आऊं, बस प्यार देता रहूं, भले ही उसकी ऊटपटांग हरकतें बढ़ती क्यों ना जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं जिंदल साहब। तुम्हें लगता है कि मैं खुद अपनी ही बेटी? हमारी बेटी जिंदल साहब। हाँ गुड्डन, वो हमारी बेटी है, लेकिन उसे सुधारने का तरीका हमारा हरगिज एक नहीं है। मुझे ना तुम्हारा तरीका समझ में ही नहीं आता है, और तुम्हें मेरा तरीका समझ में नहीं आता है। लेकिन सच तो ये है कि मैंने जब जब अलीशा से अपने अंदाज में बात करने की कोशिश की है, उसे सुधारने की कोशिश की है, तुम बीच में आई हो और तुमने मुझे रोका है, और मैं रुका भी, लेकिन अब और नहीं। मैं अलीशा की हर बदतमीजी, हर हरकत माफ कर सकता हूं, लेकिन लेकिन चोरी,
चोरी मैं हरगिज माफ नहीं करूंगा कुट। क्या करने जा रहा है आप? कमिश्नर, हमारी बात सब... मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जिन्ना साहब बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, वो जितने जिद्दी वो है ना उतनी जिद्दी उनके बेटे, वो समझ क्यों नहीं रहे? समझाइए ना उन्हें। और ऊपर से अलीशा कहाँ है, किधर है, कुछ पता नहीं। हाय रे माँ का दिल, उफ। गुड्डन तुम ना जबरदस्ती लगी हुई हो। अब देखो तुम जैसे तैसे यंगेस्ट सास तो बन गई, लेकिन यंगेस्ट माँ बन पाना तुमसे ना हो पाएगा। हमारी नजरों में हम एक सास और एक माँ दोनों है रेवती, और ये बात हमें तुम्हें साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे बारे में जो सोचती हो ना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात अलीशा का पता लगाने की, तो वो हमसे हो पाएगा। ठीक, देखते। क्या प्रॉब्लम है आपको, समझ में नहीं आ रहा है क्या हम बिजी हैं? गुड्डन जी, मैं त्रिभुवन बोल रहा हूँ। आपके घर पर आया था ना शुभ मूर्तियां रखने के लिए। सॉरी त्रिभुवन जी, जी पता है क्या बात है? दरअसल बात ये है कि मेरी दुकान पर एक 16-17 साल की लड़की आई है सोने की मूर्तियां बेचने के लिए। अब वो लड़की कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मूर्ति लेके आई है बेचने के लिए वो आपके घर की है। क्या मूर्तियां बेचने? त्रिभुवन जी हमारी बात ध्यान से सुनिए प्लीज, आप किसी भी तरीके से वो मूर्तियां और अलीशा दोनों को वहां रोक कर रखिए, हम अभी आते हैं। जी जल्दी आइएगा। सासू मां, मां जी हम अलीशा को लेकर आते हैं। गुड्डन, लल्ला को बिना बताए अलीशा को लेके आना ठीक रहेगा क्या? मां जी जिंदल साहब के गुस्से का कोई भरोसा नहीं है, ना जाने फिर से अलीशा को क्या सजा दे देंगे। और त्रिभुवन जी के पास मूर्तियां और अलीशा दोनों सेफ है माँ जी, हम एक बार अलीशा को घर ले आए, उसके बाद हम जिंदल साहब के गुस्से को भी संभाल लें। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं दुर्गा जी, हमें जाने दीजिए, हम अकेले जाते हैं। नहीं गुड्डन, एक बेटी तो पहले घर से गायब है, और अब तो नहीं नहीं मैं तुझे अकेले नहीं भेजूंगी, दुर्गा और लक्ष्मी दोनों तेरे साथ जाएंगी। हाँ, और सुनो जल्दी आ जाना, लल्ला से कोई भी बात देर तक नहीं छुपती रही। चो, 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 चो। हे काना, मेरे परिवार की निशानी और वारस दोनों को सही सलामत मेरे घर भेज दे वापिस, बस सारा परिवार एकजुट होकर दिवाली मनाए, बस यही प्रार्थना है आपसे। कहाँ रह गए अंकल, अपना वजन कर रहे हैं, मूर्तियों का वजन कर रहे हैं? अक्षय जिंदल, ये रसोईया की फाइल, इसका मतलब ये मालिक अंकल जानता है कि मूर्तियां? बेटे ये जो मूर्ति है ना दोनों बड़ी महंगी है, अब इतना पैसा तो गले में रखते नहीं हम लोग, तो मैंने सतीश को भेजा कैश लाने के लिए। जब तक तू इंतजार कर ले, चाय पिएगी? ठंडा पकवा दूं? नहीं 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 अंकल, चाय नहीं, अब वो मेरा दिमाग एकदम ठंडा हो गया है ना, तो मुझे मूर्तियां नहीं बेचनी। नहीं पैसे ज्यादा दे दूं? नहीं नहीं अंकल, अब मुझे नहीं बेचनी। लेकिन तू रुक तो जा। अरे जा कहाँ रही है बेटा, रुक। अरे बंद क्यों कर दिया? अरे दिवाली है, पूजा करनी है। पैसे मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये मूर्तियां मैं गुड्डन के हाथों वापस नहीं जाने दूंगी। इस साल तो जिंदल कुनबे की दिवाली ना फीकी ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
पकड़ इसको। कौन है तुम लोग? छोड़ो मुझे। अरे मूर्ति चाहिए ना, मूर्ति ले लो, मुझे तो छोड़ दो। चल बैठ। चुप। हाँ सर, मूर्तियां और लड़की दोनों कब्जे में। शाबाश, मैं अभी पहुंचता हूँ। चलो जल्दी करो। मेरी नौकरी, मेरी इज्जत, मेरा रुतबा, सब कुछ इस परिवार ने मुझसे छीन लिया था ना, तो ठीक है, अब इसी परिवार की शान को बेचकर पर्वत में घर पड़ेगा। इसमें क्या बुराई है? काम करूंगा मैं, पर इल्जाम लगेगा उस अलीशा पर। मां जी, हम अलीशा को लेकर आते हैं। चुप चुप चुप। गुड डन। कितनी आस लगा कर तुम जा रही हो ना दुकान पे, पर तुम्हारे हाथ क्या लगेगा? सिर्फ निराशा। वो कहते हैं ना, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। बेटा यहाँ तो अपना टाइम आ गया। पर मैश कर अब। ईशा मूर्तियां लेकर भाग गए, पर हमने आपको कहा था ना त्रिभुवन जी, आप उसे यहीं पर रोक कर रखिएगा किसी भी तरीके से। आपने जाने क्यों दिया उसे? मैंने बहुत रोकने की कोशिश करी थी, ना जाने उसे कैसे पता चल गया कि मैं आपके परिवार को जानता हूँ। बस बहुत बदमाश लड़की है वो, मुझे मेरी दुकान में बंद करके भाग गई। वो तो अच्छा हुआ कि आप आ गए, वरना मेरी दिवाली अकेले बनती दुकान में। त्रिभुवन जी, इससे पहले शुभ मुहूर्त निकल जाए मैं पूजा कर लेता हूँ। सासू माँ, अब क्या करेंगे? सासू माँ, मुझे लगता है कि बात और बिगड़े इसके पहले हमें एजे को बता देना चाहिए। वैसे भी एजे ने तो कमिश्नर को फोन कर ही दिया है। तो जिंदल साहब भी तो वही करेंगे ना दुर्गा जी, जो हम कर रहे हैं। अलीशा को ढूंढेंगे, और क्या करेंगे? वो कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऊपर से कहाँ गई है, किधर नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से सोने की मूर्ति और लेकर गई है कि फंस ना जाए वो इतनी छोटी सी उम्र में। कुछ समझ में नहीं आ रहा। लॉर्ड कृष्णा, प्लीज अलीशा का ख्याल रखना, उसे किसी भी आने वाली मुसीबत से बचाना लॉर्ड कृष्णा। एक मिनट, अलीशा ने हमारे साथ, पूरे परिवार के साथ, खास करके आपके साथ इतना बुरा किया है, और आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? अलीशा के नाम के आगे जिंदल जुड़ा है, उसके अलावा भी कोई वजह की जरूरत है हमें? वो इस परिवार का हिस्सा है दुर्गा जी, उसने क्या किया, क्या नहीं, क्या अच्छा किया, क्या बुरा, ये सब सोचने का समय नहीं है। धन्य है आप, सच में। वो अलीशा ना ही आपको माँ मानती है, आपके नाक में दम करके रखा है उसने, और फिर भी आप इतना सब कुछ करना चाहती है उसके लिए, क्यों? तो हम भी उसे बेटी मानना छोड़ दें क्या? क्या कह रही हैं आप दुर्गा जी, क्या बुरा किया है उसने? हाँ, हम उसे सड़क पे अकेला छोड़ दें इस तरीके से? बच्चे चाहे माता पिता को वो इज्जत वो प्यार ना दें दुर्गा जी, लेकिन एक माँ अपने बच्चों से मुंह नहीं फेर सकती। हमें उसे ढूंढना होगा। लक्ष्मी जी, आप वो फोन वाला ऐप आप कुछ यूज कर दी थी ना, जल्दी से पता लगाइए कि अलीशा का फोन कहाँ है, कुछ तो पता लगेगा, जल्दी कीजिए। हम बस इतना चाहते हैं अलीशा सही सलामत घर वापस आ जाए, और कुछ नहीं। चलो। आजो। बहुत हुआ तेरे मचमच। ये कुत्तों को सबक सिखाने के चक्कर में मैं फंस गई हूँ, अब क्या करूँ? दुर्गा दी, हाँ, यहाँ से राइट। दुर्गा जी, आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। लक्ष्मी, यहाँ से कहाँ जाना है? यहाँ से लेफ्ट दुर्गा दी, अलीशा के फोन का लोकेशन वही दिखा रहा है। ओके ओके। रुकिए रुकिए रुकिए, यहीं पे चलिए।
क्या है लक्ष्मी जी? ससमा लेकिन फोन पे लोकेशन तो ये दिखा रहा है। तो बहुत सुनसान जगह है लक्ष्मी जी, और अगर लोकेशन यही दिखा रहे इसका मतलब अलीशा यहीं कहीं है। पर यहाँ कैसे पहुंच सकती है? सासुमा अब मैं एक बात बोलूं, देखिए ना कितनी सुनसान और डरावनी जगह है। मैं तो बोलती हूँ हम ना घर वापस चलते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप लक्ष्मी जी, हमें अलीशा को तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। वो देखिए कुछ तो है, चलिए चल कर देते, चलिए चलिए आइए। रुकिए रुकिए, हम एक काम करते हैं, हम ना इसी को फोन कर लेते हैं, वो साथ में चलेंगे, हम तीनों अकेले हैं, कुछ हो गया तो। लक्ष्मी जी आज तक भी हर मुसीबत का हाल हम तीनों ने मिलकर ढूंढा है ना, तो हमसे ये भी हो पाएगा। चलिए घबराइए मत। यस किशोर, कुछ पता चला? ढूंढो शहर के कोने कोने में ढूंढो, पुलिस तुम्हारे साथ है ना। गुड, जैसे ही कोई न्यूज मिले प्लीज कॉल मी अर्जेंटली। ओके थैंक यू। मां अलीशा की अब तक कोई खबर नहीं मिली, ये गुड्डन दुर्गा बहू वगैरह ये सब कहां है मां? मां कहां है सब? मां कहां है सब? वो सब माँ आप जानते हैं ना कि आप मुझसे झूठ नहीं कह सकते। गुड्डन कहाँ है? अब तो हमें भी लग रहा है मैं जिंदल साहब को फोन कर ही देना चाहिए। हाँ ऐशा कहाँ है, किस हालत में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी जगह सब पहुंची क्या करने? आफत की गुड़िया यहाँ कैसे पहुंच गई? पिछले जन्म में जासूस थी क्या? पुलिस नहीं पहुंच पाई, एजे नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये गुड्डन माता ठीक पहुंच गई। रुको अब भी मजा चखा था। हेलो, ओ जरा गोडाउन से बाहर आओ और मेहमानों का अच्छे से स्वागत करना। अच्छे से मतलब अच्छे से, समझ गया ना? हाँ चलो, एक तरफ से तो अच्छा ही हुआ, इस दिवाली मौके एकदम छप्पड़ फाड़ के मिल रहे हैं। एक ही रात में पैसे और बदला दोनों साथ में मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि अलीशा और मुसीबत में फंस जाए इसके पहले हमें एजे और पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। चलो बे, ले चलो इसे। तुम लोग कौन हो? चलो इधर। कौन है तुम? हाथ लगाओ। अब समझ में आएगा पर उससे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। व्हाट? ओके आपसे उम्मीद नहीं थी मां मुझे। अलीशा त्रिभुवन जी के वहां से भाग चुकी है और गुड्डन और बहुएं उसका पीछा कर रही है। आपको अंदाजा भी है कि इतनी रात को सोने की मूर्तियों के साथ कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं वो सब। मां आप इतनी समझदार होते हुए गुड्डन के झूठ में उसका साथ कैसे दे सकती हैं? गुड्डन का ना यही प्रॉब्लम है मां, उसको हर प्रॉब्लम अपने ऊटपटांग अतरंगी तरीकों से सॉल्व करना अच्छा लगता है। हर बार इसी वजह से किसी ना किसी नई मुसीबत में जाके फंस जाती है। कभी कभी लगता है मैं एक नहीं दो दो बच्चों को संभाल रहा। अभी तक पूरे शहर में अलीशा को ढूंढ रहा था, मैं गुड्डन को भी ढूंढूंगा। कहां ढूंढूंगा दोनों को मां? जो सोप दोनों किसी बड़ी मुसीबत में लपस गई हूं जा रहा हूं मैं। हे काना मेरे बच्चों की रक्षा करना, आने वाले किसी भी संकट का साया मेरे बच्चों पर न पड़ने पाए। आज दिवाली का दिन है, मुझे मेरा परिवार एक साथ चाहिए काना।